नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। जरा चांगला प्रोग्राम चालू आहे त्याच्यातून थोडं जागरूक होऊ। मंच पर यहाँ उपस्थित सन्माननीय पद्मश्री अवार्डी जगत प्रोफेसर डॉक्टर जगतराम जी, ये बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं ऑप्थैल्मोलॉजी में, यानी आई डॉक्टर कहिए, आँखों के डॉक्टर में, और चंडीगढ़ में जो एक स्पेशल इंस्टीट्यूट है, आपको सबको पता है, सिर्फ वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। वहाँ पर ये डायरेक्टर करके थे और अभी भी ऑप्थैल्मोलॉजी का काम कर रहे हैं वैसे ही। यहाँ उपस्थित डॉक्टर डोगरा, यह भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थैल्मोलॉजी रह चुके हैं, और रेटिना यानी पर्दे का जो भी कठिन से कठिन ऑपरेशन रहते हैं वो उन्होंने किए हैं। लेकिन आजकल करना इतना ठीक है, उससे सीमित ना रहते हुए कई स्टूडेंट्स को इन दोनों ने सिखाया है, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे कि भंडारा में भी यही सुविधा अभी प्राप्त हो सकती है, और वह जो है इंद्राक्षी रुग्णालय की तरफ से। मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों यहाँ आए, और मुझे बड़ा दुख भी है कि वो मेरे हॉस्पिटल में वहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि मैं आज भी यहाँ नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए खास आया क्योंकि काफ़ी दिनों से तय हुआ था इसके लिए आना, और कल भी मैं नहीं रहूँगा, और आप लोग हॉस्पिटल ना देखते जा रहे हैं तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, अकवर्ड नहीं लग रहा कि इतने बड़े हस्ती आप आते हैं तो अच्छा लगता हॉस्पिटल, फिर भी कोशिश कीजिए यदि कुछ होता है। वैसे ही डॉक्टर योगेश, डॉक्टर विशाखा, जोरदार तालियां रहे दोनों के लिए। इतना अच्छा हॉस्पिटल भंडारा में, सभी सुविधाएं, सभी सुविधाएं, और यह उनका विजन है, क्योंकि हम तो सबको सिखाते हैं लेकिन उन्होंने जो प्रोग्रेस किया, जो विकास किया है, जो डेवलपमेंट करने के लिए लिया है, त्याच्यामुळे हे शक्य झालेलं आहे। जिथे सर्व सोई, बहुत लोगों को लगता है कि ये क्या है, हॉस्पिटल है, सभी सुविधा प्राप्त यानी रखना वो तो उनका काम है, हॉस्पिटल चलने के लिए करते हैं, लेकिन आप उसके साथ में देखिए ये सब क्यों है, ताकि यहाँ से भंडारा से नागपुर लोगों को जाना ना पड़े। ये सब क्यों है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो भंडारा के सभी लोगों के लिए मिले, फ्री में मिले, जो भी भंडारा के जो भी MJPJY है या महात्मा फुले है, ये जो भी स्कीम्स हैं, तो ये अभी सोच है। यानी काफ़ी बार लगता है पुष्कळ वेळा असं वाटतं की डॉक्टर आपल्यासाठी करत आहे, पण तसं नाही आहे हे लक्षात घ्या। मला आठवतं इथेच भंडाराजवळच एक कॅम्प होता, खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगतोय, तिथे मी आलो होतो, असेच पेशंट तपासता तपासता एका म्हातारीला म्हटलं मी त्रास काय आहे, तर तिने त्रास जरा वेगळ्या प्रकारे सांगितला। तिने म्हणाली नेत्र असतील तर जीवन एक जत्रा, नाही तर जीवाचा खतरा, तो खतरा दूर करायला आली आहे म्हणे डॉक्टर महात्मे तुमच्याकडे, तर असा हा खतरा दूर करण्यासाठी हे दोघेही जणं काम करत आहे, त्यांचं जोरदार टाळ्या वाजून पुन्हा ऐकूया अभिनंदन करतो। या इथे NABH ॲक्रेडिटेशन आहे, इक्विपमेंट्स लेटेस्ट आहेत, आणि ये सगळे इक्विपमेंट्स ये काफ़ी महंगे रहते हैं, फिर भी वो लाया जाते हैं ताकि पेशेंट को वही क्वालिटी मिले जो बाहर मिलती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग क्वालिटी कॉन्शियस भी हैं, क्योंकि बहुत बार सेवाएं होती है तो क्वालिटी में थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं। और ये बहुत ही NABH एक्रेडिटेशन भी ले लिया है, और सर्व सोई सुविधांनी युक्त असं अद्यावत केंद्र ते उभारू शकले, आणि त्यांचं विजन आहे आणि त्याच्या सातत्य कार्याचं आहे। विशाखानी पण चांगलं काम केलेलं आहे, विशाखाचे टीचर्स तर आहेतच पण विशाखाचं टीम पण फार मोठी आहे, पण एक त्यांनी मला आवडलं नाही तेवढं भेदभाव केलेला आहे, इथे महिला शक्ती खूप मोठी आहे, जोरदार टाळ्या वाजव त्यांच्यासाठी, सर्व पॅरामेडिकल यायचे तुम्ही पाहाल महिला, खूप छान वाटलं, मी असंच बोललो पण खूप छान वाटलं, दॅट इज गुड, बहुत ही अच्छा है, पूरे महिलाओं को काम आप टीम बनाए अच्छी बनाए, और बहुत अच्छा, इतनी बड़ी टीम मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, वो सब आप कर रहे हैं,
मेरे सामने डिग्निटरीज डॉक्टर गोपाल हैं जो IMA के प्रेसिडेंट हैं और वैसे भी मेरे बैचमेट हैं गायत्री डॉक्टर अरुण कुमार आहेत, राजीव पनवेलकर आहे, इतरही सर्व मान्यवर आहेत, डॉक्टर अमर भास्कर आहेत ते आमचे इथे येतात आहे, तसंच डॉक्टर विशाल शाह आहे, इतर सर्व परिचित डॉक्टर्स आहेत, सुपरिचित आहेत, डॉक्टर शोले आहेत आणि बाकी पण सर्व आहेत. तुम्ही सगळे या इथे आलात, मी जास्त बोलणार नाही, त्याच्यामुळे जास्त वेळ घेणार नाही. बराच वेळापासून तुम्ही बसलेले आहात, पण आपल्या भंडाऱ्यात एक चांगलं हॉस्पिटल मिळालं आणि भंडाऱ्यात फक्त इथलेच नाही तर आजूबाजूच्याही रुग्णांना यांनी फायदा होईल आणि हा पेशंटला सर्वात शेवटी लाभ मिळेल या दृष्टीने हे हॉस्पिटल झालेलं आहे. त्याच्यामुळे यांचं अभिनंदन करतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. सगळ्यांच्या शुभेच्छा आहेत की डोळ्याचं चेकअप आजारासाठी नका येऊ इथे हॉस्पिटलला, पहिले चेकअपसाठी या की बा मला आजार होऊ नये म्हणून काय करायचं आहे, नंतर मग पाहता येईल, कारण बिमारी ना होई तो अच्छा आहे. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हॉस्पिटल का ये नहीं सोचता हूँ मैं, बीमार रहे तो ही आप इसका लाभ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, जब बीमारी ना हो इसलिए भी इसका लाभ ले. और मैं ये शुभेच्छा देता हूँ आप लोगों को, धन्यवाद.